आज की वीडियो हम बात करेंगे आईफोन 14 प्रो के बारे में। हमारे पास एक वीडियो मौजूद है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लोन की, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या स्पेसिफिकेशन आ रही है यहाँ पर, क्या न्यूड देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात का लुक्स, ठीक है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, जस्ट 3 से 4 मिनट्स की, तो आपने वीडियो कम्प्लीट वॉच कर लेनी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल्स के लुक्स की। देखें यहाँ पर क्लोन का भी लुक बहुत जबरदस्त आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रंट पर पहले दिखा चुका हूँ आपको, और यहाँ पर इसका कैमरा बम्प भी 5% लार्जर दिया गया, ठीक है ना। बट जो एक्चुअल आईफोन होगा उसकी शाइन उसकी क्लास में बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं दोबारा आपको दिखाता चलूँ। देखें फ्रंट पर बिल्कुल बेजल लेस डिस्प्ले मिल रहा है, जस्ट एक पिल एंड होल डिस्प्ले मिल रहा है, ठीक है। इसी होल के अंदर हमें फेस आईडी भी मिल जाएगी, इसी होल के अंदर हमें कैमरा भी मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसमें f1.9 का अपर्चर आ रहा है, मतलब लो लाइट परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी। टाइटेनियम बॉडी के साथ आ रहा है ये मोबाइल, ठीक है, जो ड्यूरेबल भी ज़्यादा होगी, फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी कम होगी, और यहाँ पर वेट में भी कम होगी, ठीक है ना जी। और यहाँ पर अगर मजीद बात कर लें तो एप्पल A16 चिप भी आ रही है इसके अंदर, जो लेटेस्ट होगी आईफोन 13 प्रो मॉडल्स के मुकाबले में। हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी 10 से 50% ज़्यादा, और जो पावर एफिशिएंसी की बात करें तो 15% ज़्यादा पावर एफिशिएंसी में मिल जाएगी परफॉर्मेंस हमें, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मजीद बात कर लें इसके बारे में, तो मैं आपको ना इसका डिज़ाइन बताता चलूँ। यहाँ पर बैक पर एक और दोबारा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया, ठीक है ना, जो कि 8K वीडियो शूट करने की सलाहियत रखता है। और यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर जब भी आप मॉडल्स खरीदे ना, तो 128 GB वाला खरीदे, ज़्यादा मॉडल खरीदे, ठीक है ना। मीन्स के यहाँ पर आपने जब खरीदना है तो 256 GB वाला खरीदें या उससे ऊपर वाला खरीदें, क्योंकि 8K वीडियो के साथ बहुत जल्दी फुल हो जाती है मेमोरी, ठीक है ना, मोबाइल की। और यहाँ पर अगर मजीद बात कर लें तो देखें 8K वीडियो तो हो गई इसकी, मैंने आपको ये बता दिया, कैमरा फ्रंट भी कैमरा बताई, डिस्प्ले देखें यहाँ पर डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें, लुक्स में नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं रैम की, क्या रैम मिलेगी। देखें कहा जा रहा है कि 8 GB रैम आएगी इसके अंदर, वो भी LPDDR5 रैम, जो कि एनर्जी एफिशिएंट भी होगी और परफॉर्मेंस में भी काफ़ी तेज़ होगी, ठीक है जी। और UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर देखें बेस वेरिएंट तो यही कहा जा रहा है कि 128 GB का आ रहा है, 256 GB का बेस वेरिएंट नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट मैं आपको बहुत सारी वीडियोज में बता चुका हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ रिलीज डेट इसकी कुछ आ रही है एंड ऑफ सितंबर, ठीक है ना। तो एंड ऑफ सितंबर में काफ़ी अच्छा मोबाइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी चेंज किया गया है एप्पल ने, देखें पिल एंड होल डिस्प्ले डाला है। जो लोग 1 या 2 साल से वेट कर रहे थे कि अपना आईफोन अपग्रेड करें, तो मेरे ख्याल से राइट टाइम है आईफोन अपग्रेड करने का, क्योंकि इसमें 8K वीडियो भी आ रही, टाइटेनियम बॉडी भी आ रही, न्यू है, और यहाँ पर हमें पूरा बिल्कुल डिस्प्ले और डिज़ाइन बिल्कुल न्यू मिल रहा है, ठीक है ना। एटलीस्ट फ्रंट के हिसाब से बिल्कुल न्यू डिज़ाइन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मजीद बात करते हैं चलें इसके बारे में, तो मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखें इस दफ़ा इसकी प्राइस कुछ बढ़ने का इम्कान है, तो आपने जब भी मोबाइल लेने जाना है तो इसकी प्राइस जहन में रख के जाना, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ेगी, इंटरनेशनली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। हो सकता है कि $1200 प्राइस हो जाए, कुछ ज़्यादा प्राइस भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ मैं आपको, देखें यहाँ पर इसके बारे में एक और बात बताता चलूँ जी, तो सब कुछ बता दिया मैं, डिस्प्ले साइज तो बताना भूलिए, डिस्प्ले साइज बताता हूँ। देखिए 6.1 इंच का डिस्प्ले साइज आएगा हमें 14 प्रो में, 14 प्रो मैक्स में आएगा 6.78 इंच का, वही जैसे पिछले साल आया था, अभी भी इस दफा वही आएगा, बट बेजल्स थोड़े छोटे कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें फ्रंट डिजाइन भी नोच की जगह पिल एंड होल डिस्प्ले मिल जाएगा, ठीक है। और मजीद बात कर लें इसके बारे में, तो मैं आपको कोरा बताता चलता हूँ। इस दफा नॉन प्रोज में यहाँ पर 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले आ रहा है, और जो प्रो मॉडल्स होंगे इनमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आएगा। तो जब भी आपने बाय करना है तो प्रो मॉडल्स बाय करने हैं, नॉन प्रोज नहीं बाय करने। ये छोटी सी वीडियो थी, आपको लुक्स दिखाना था और चंद बातें बतानी थी, आपको बता दी मैंने, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मजीद एप्पल से अपडेट रहने के लिए, रिव्यूज उसकी एप्पल से, न्यूज़ सुनने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मेरी एंड स्क्रीन पे मेरी वीडियोस भी आ गई, चैनल भी आ गए, तो लाजमी मेरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं और चैनल भी देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पर आईफोन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस चला दूंगा, बल्कि एप्पल से रिलेटेड वीडियोस चला दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, आई बटन में मैं लिंक दे दिया अलग अलग वीडियोज़ का, वहाँ पर सारी एप्पल की वीडियोज़ हैं, ठीक है ना। और तब आपने ज़्यादा अगर मेरे चैनल पर वीडियोज़ देखनी है तो आप एप्पल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है ना।
तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ों की वीडियोस। आई होप सो वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, और या फिर मैं आपको वीडियो बनाकर पेश कर दूंगा। ठीक है ना, फिलहाल इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एप्पल से रिलेटेड न्यूज़, रिव्यूज़ और कंपेरिजन देखने के लिए मेक श्योर चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और एंड स्क्रीन में मेरे चैनल भी आ गए और वीडियोज़ भी आ गए।